नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हूँ और इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हूँ। PGDCS प्रोग्राम में, फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, हम आज ई रेडीनेस की बात करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंड द स्टेजेस इन ई गवर्नेंस, नो द बेनिफिट्स ऑफ ई गवर्नेंस, अंडरस्टैंड ई रेडीनेस इश्यूज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या स्टेजेस होती हैं ई गवर्नेंस की। स्टेज वन होती है टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, स्टेज टू डिजिटाइजेशन, स्टेज थ्री सिटीजन्स एक्सेस और स्टेज फोर होती है कंटेंट। स्टेजेस से पहले क्या हमें कुछ सवाल पूछने चाहिए? कुछ सवाल जैसे कि इज़ द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिससे हम ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या हमने कोई लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है जिसके तहत हम ई गवर्नेंस में जो लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी उनको एड्रेस कर सकते हैं? क्या इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? जो इंस्टीट्यूशंस ई गवर्नेंस को देखेंगे क्या वो रेडी हैं? क्या ह्यूमन जो लोग ई गवर्नेंस को यूज़ करेंगे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट फंक्शनरी में, क्या वो रेडी हैं? क्या टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क तैयार है? क्या लीडरशिप जो ई गवर्नेंस के बारे में सोच रही है, बात कर रही है, वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से तैयार है? तो आइए देखिए ई गवर्नेंस के बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, सिंपलर डॉक्यूमेंटेशन। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखें तो लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन उसको बहुत ही सिंपल बना देता है, एप्लीकेशन को फास्ट बनाता है। अगर आप कुछ परेशानी है गवर्नमेंट से, आप उसको जब ई गवर्नेंस के माध्यम से डालते हैं तो उसका समाधान भी उतनी ही स्पीड से होता है। प्रोक्योरमेंट साइकिल सिंपल होती है, जैसा कि आजकल ई प्रोक्योरमेंट का ज़माना है, तो जो मैनुअल प्रोक्योरमेंट है उससे बेहतर प्रोक्योरमेंट ई गवर्नेंस में होती है। सरकार की स्कीम, सरकार की सर्विसेज, सरकार की योजनाएं, उसकी पहुंच ज़्यादा बढ़ती है, वो गांव-गांव तक, कस्बों तक उसकी पहुंच बढ़ती है अगर हम ई गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। एजुकेशन में एक तेज़ी आती है, हम कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम ई गवर्नेंस से पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं, जो लेजिस्लेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम इंटरैक्टिव बनाते हैं, पब्लिक गवर्नमेंट मशीनरी में पार्ट ले सकती है। सिंप्लीफाइंग ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं गवर्नमेंट में होते हैं, गवर्नमेंट की सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, उनको हम सिंपल करते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट, आप टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आपको कहीं ऑफिस, बिजली घर, उनके ऑफिस जाने की आवश्यकता कम पड़ती है। ये एक इनएक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ता दर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप जब इंफॉर्मेशन को पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन होता है। इससे लोगों में और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में एक डर बनता है। पोस्ट ऑफिसेस में भी ये एक इनएक्सपेंसिव डिटरेंट है। इंटरैक्शंस जो गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट के कार्यरत लोगों से सिटीजन्स करते हैं उसको ये सिंप्लीफाई करता है, और म्यूनिसिपैलिटीज़ भी आपस में और गवर्नमेंट के साथ सिंपल तरीके से बात कर पाती हैं। इंसेंटिव फॉर पेमेंट, टैक्सेस जो सरकार सिटीजन्स पे लगाती है और उसका जो रिफंड होता है उसको भरना, उसका भुगतान करना और उसका रिफंड प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो आसान होती है। ई गवर्नेंस के चलते एक बेनिफिट जो बनता है वो है कि एक परमानेंट लाइब्रेरी, आपके पास एक
परमानेंट कोष बन जाता है आपके पॉलिसीज़ का, आपके डॉक्यूमेंट्स का, कुछ फ्रीक्वेंट यूज रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स का, डाउनलोडेबल फॉर्म्स का, आप एक जगह पर उसको इकट्ठा रख सकते हैं। रिक्रूटमेंट साइकिल जो चुनाव जो प्रक्रिया है, आप हायर करते हैं लोगों को, उस प्रक्रिया को फास्ट किया जाता है। हमने देखा कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स कैसे इनिशिएट होते हैं, अगर उनमें केयरफुल प्लानिंग ना हो तो वो कैसे अनसक्सेसफुल हो सकते हैं, और क्या स्टेजेस पहले होनी चाहिए जिसमें ये किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकती हैं। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होंगे, बट हमें उनकी तैयारी पहले करनी चाहिए, और कई बार प्रैक्टिकल लेवल पर इस बात को समझना चाहिए कि हमेशा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता है किसी काम को ना होने के लिए, लेकिन कल्चर भी एक हिंड्रेंस है ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन में। तो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, और उन तरीकों को ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं ई गवर्नेंस को इनिशिएट करने के लिए, उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगले लेक्चर में हम ई कॉमर्स की बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।